तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा लास्ट वीडियो में कि मैं झारखंड में ISM विज़िट करने गया था, तो अब वहां के बाद हम लोग जाने वाले हैं कोल माइंस में। चलिए वहां का नज़ारा दिखाता हूं आपको। 100-150-200 लोग अंदर ही तो काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं और यहां से धनबाद का बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है। तो देखिए वो वहाँ से कोयला लोड होके आ रहा है। बहुत सही, ये तो नेचुरल पहाड़ लग रहा है, पर है नहीं, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे मर्करी मिला हुआ है इसमें। वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं अंदर, अंदर विजिट करने वाले हैं माइंस के कैसा होता है। पर मैं पहली बार जा रहा हूँ, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। सभी लोग हेलमेट लेके आते हैं, ये बहुत ही सही लगा यहाँ पे झारखंड में। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं माइंस के अंदर। ये देखिए नीचे हर जगह ये ब्लैक डस्ट, शायद तक उसी कोयले के पार्ट्स होते हैं। हर जगह पे पूरा काला काला है और गाड़ियों में भी जम गए हैं। अच्छा, ये बड़े बड़े उनके टायर्स हैं, काय के टायर्स हैं, ये वो वाले मशीन जो यूज होते हैं, जो बड़े वाले गाड़ियाँ नहीं देखा हमने आगे में, जो अजीब से दिख रहे थे। ये पार्ट्स देखिए, सारे खराब हो चुके हैं, खाली साइज देखिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गिरिया, गिरिया ना, अंसार है, अंसार में। ये देखिए वो वहां से कोयला लोड होके आ रहा है। ये इस तरह की इन गाड़ी में कोयला लोड होता है, फिर तो यहाँ से ये आगे के लिए एक्सपोर्ट होता है। कम से कम ये जाएगा कम से कम उधर तक चले गया, हालत खराब हो गई है। कांच वाँच में पैक हो गया, चलो आओ ऊपर देखते हैं। तो मैंने मास्क लगा लिया है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे धूल उड़ रही है ना। और बाकी वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो हम लोग ऊपर से जाके देखते हैं कैसा नज़ारा है वहाँ। कोयले के पार्टिकल्स के कारण यहाँ का कीचड़ भी चमक रहा है ना, ना जी, ऐसा लग रहा है जैसे मर्करी मिला हुआ है इसमें, मर्करी सा दिख रहा थोड़ा, लेड लेड टाइप का। कोयले में लेड की मात्रा भी होती है। हाँ, लेड होती है, हाँ तभी वो चमक रहा। बहुत सही, ये तो नेचुरल पहाड़ लग रहा है, पर है नहीं, है ना। तो ये है, ये आपको जो पहाड़ दिख रहा है HN में, ये पहाड़ क्या कह सकते हैं इसको, कृत्रिम पहाड़ है ना, बनाया गया है। और उनका इंटेंशन है मेन माइनिंग, तो माइनिंग के कारण जो पत्थर पहले निकलते हैं खोदते समय उनको किनारे किनारे किया जाता है, तो वो इकट्ठा होते होते ऐसे पहाड़ का रूप ले लेते हैं। और माइंस होगा तो चालू होगा, लेकिन अब इसको शिफ्ट कर दिया गया और कहीं और। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सारा कोयला निकल चुका। अच्छा, तो ये इसीलिए अभी बंद है कि यहाँ का सारा कोयला निकल चुका है और अब बगल की जगह में खुदाई चालू होगी। तो काफी ऊपर तक आ गए हैं और यहाँ से धनबाद का बहुत ही अच्छा नजारा दिख रहा है। तो ये यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, ये थोड़ा टॉप का एरिया है तो यहाँ से थोड़ा व्यू क्लियर है, इससे ज़्यादा चढ़ने की तो अभी हालत नहीं है, पहले ही थक चुके हैं। ये अच्छा है, देखो वहाँ माइंस है, वो पत्थर लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, ये पत्थर लेके जा रहा है, हाँ मतलब ये कोयला लेके जा रही है, यहाँ डंप करेगी, वहाँ से गाड़ियाँ लोड होती है माइंस इसके अंदर। अच्छा, माइंस उस वहाँ पे अंदर,
और वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के कारण पॉसिबल नहीं है, है ना। बाकी यहाँ से भी नज़ारा काफी काफी यूनिक लग रहा है। मैंने ऐसी कभी कोई जगह विजिट नहीं की। और कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, हर तरफ कोयला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है हवा काली हो गई है। वैसे तो हवा विजिबल नहीं होती, पर यहाँ पे है विजिबल। ये वहाँ पे मजदूर तो हम लोग काफ़ी ऊपर खड़े हैं, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। देखो मैं इसको जूम करके, हाँ बहुत अच्छे ले रहे हैं। हम लोग वर्थ है ये। वैसे वो आप लोग देख सकते हैं वहाँ कैमरे में धुआं दिख रहा होगा, ये जो धुआं दिख रहा है ये वहाँ पे कोई आग नहीं लगी है। वहाँ पे नेचुरली जहाँ पे माइनिंग होती है तो कुछ जगह वहाँ पे निकलने लगता है, है ना। शायद ज़्यादा प्रेशर के कारण या अचानक से प्रेशर रिलीज होता है उसके कारण हो सकता है। अब इसका साइंटिफिक रीज़न तो अभी मुझे क्लियर नहीं है, पर मैं इसको ढूंढ के दूँगा आपसे। ये सड़क है जो धनबाद के लिए जा रही है। ये अपना धनबाद शहर है जहाँ से हम लोग आए हैं, और यहाँ से ये पीछे जो पुरानी माइंस है उसके लिए है, उसका ये पहाड़ है। और सामने साइड से यहाँ पे ये पत्थर, यहाँ से पत्थर लेके वहाँ पे डंप कर रहे हैं जैसा कि सूरज भाई ने बताया है। और उधर पर एक्चुअल माइंस उधर है पीछे, एक्चुअल माइंस वहाँ पीछे है। वहाँ पे ऐसे जाना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए अभी नहीं जा रहे हैं, फिर कभी अपन विशेष सुरक्षा के साथ चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगली कोई जगह में देखेंगे। अच्छा वहाँ पहाड़ में भी दिख रहा है, उस साइड भी माइंस है। उधर अभी डंप, ये पहाड़ वाला चालू है, डंपिंग कर रहे हैं। जैसे ये पहाड़ बंद हो गया क्योंकि इतना डंप हो गया, अब नया पहाड़ बना करके डंप करते जा रहे हैं। ये जो कोल है ना, ये दिख रहा है जो पत्थर, ये कोल है नहीं, है कोल जैसा दिख रहा है। हाँ एकदम पत्थर है कोल के जैसे। अच्छा हाँ, ये अभी कुछ दिन और रहता तो कोल में कन्वर्ट हो जाता। अच्छा। कुछ हजारों साल अभी और रहते तब इसको पहले निकाल लिया गया है ना। हाँ तो ये अपने यूज का नहीं रहता, ये अपने यूज का ही बिल्कुल पत्थर जैसे रहता है। कोल का मतलब हो गया कि वो मतलब बिल्कुल ही लूज होता है, ऐसे टच गिराते ही चूर चूर हो जाए। अच्छा ओरिजिनल कोल ऐसा रहता है। ये भी बहुत लूज हो चुका है, हाथ से टूट जा रहा है, पत्थर नहीं लग रहा। पर जो ओरिजिनल कोल होता है वो ऐसे करने टूट जाएगा। 100-150-200 लोग अंदर ही सब कुछ मर गए। ये हाईवे का तो पूरा पार्ट लग रहा है चक्के ही चक्के, ऐसे बैठता होगा ड्राइवर। तो चलो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं और क्या क्या है धनबाद में। वासुपुर चलते हैं ना, वासुपुर। तो हम लोग अब माइन से निकलने वाले हैं और चलिए चलते हैं अगली जगह।